एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आप लोगों के लिए सीटैट एग्ज़ाम की आंसर की लेके आई हूँ जो कि 8 दिसंबर को हुआ है। इस वीडियो में हम गणित व विज्ञान के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि टोटल 60 क्वेश्चन हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, अगर आप चाहें तो अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। हमारे सामने पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, उसमें पूछ रखा है हाउ मैनी पेयर ऑफ ट्विन प्राइम्स आर देयर इन बिटवीन इंटीजर 1 to 100, मतलब 100 से लेकर 100 के बीच में कितने ट्विन प्राइम नंबर हैं आपको पेयर बताने हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि टोटल 8 ऐसे पेयर होते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हम लोगों से पूछ रखा है कि हमारे सामने एक नंबर दे रखा है 21168 और उसको इक्वल कर रखा है 2 की पावर 3 की पावर और 7 की पावर। इसमें पूछ रखा है कि ए बी सी क्या होगा, आप इसे प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो आपको ए बी सी की वैल्यू निकलेगी, और जो आप ए बी सी की वैल्यू निकलेगी वो आप इस वैल्यू में सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 3, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हम लोगों से पूछ रखा है लेट एक्स बी द लीस्ट नंबर विच वेन डिवाइडेड बाई दिस लीव रिमाइंडर 5। इसमें बता रखा है कि मान लो एक एक्स आपके पास एक सबसे छोटा नंबर है जिसको आपने इन सभी नंबर से डिवाइड किया, और सभी नंबर से डिवाइड करने के बाद हर नंबर पे आपका जो रिमाइंडर बच रहा है, शेष बच रहा है, वो बच रहा है 5। तो ये पूछ रखा है कि सम ऑफ डिजिट ऑफ एक्स, वो जो नंबर होगा एक्स उसके नंबर का जो डिजिट का सम करोगे तो वो आंसर कितना आना चाहिए, तो उसका सम आएगा 17, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों से पूछ रखा है व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम, यहाँ पे हमारे सामने नंबर दे रखे हैं और पूछ रखा है कि इसमें से क्या सब्सट्रैक्ट करें ताकि जो नंबर ऑब्टेन हो वो एक तरीके से प्रोपोर्शन में आए, मतलब रेशियो में आए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 17 इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में हमें पूछ रखा है सम ऑफ 1710 इज डिवाइडेड बाई ए बी सी, मतलब इन नंबर का जो सम है इसे अगर हम डिवाइड करेंगे ए बी सी से सच दैट 4 टाइम ऑफ ए, यहाँ पे बता रखा 4 भाग a का 6 भाग b का और 9 भाग c का, ये आपस में इक्वल है। आपके सामने एक इक्वेशन बनके यहाँ पे तैयार हो जाएगी, आपको बताना है सी और ए में क्या कितना डिफरेंस है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 450 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें पूछ रखा है द नंबर ऑफ फ्रूट इन द बास्केट ए एंड बी आर इन द रेशियो 7:9, आपको बता रखा है कि जो नंबर ऑफ फ्रूट दो अलग अलग बास्केट में है उसका रेशियो इतना है इफ 6 फ्रूट आर टेकन आउट फ्रॉम ए एंड पुट इन टू बी, यहाँ पे बोल रखा है अगर मान लो 6 फ्रूट इसमें से निकाले और बी में डाल दिए तो अब रेशियो जो बदल के आ गया वो आ गया 1/3। तो आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ फ्रूट ए और बी में कितने हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 32 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं, इसमें कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे रही हूँ। यहाँ पे बता रखा है आपके पास दो ट्राइंगल हैं, इनमें आपको बेस के बारे में बता रखा है और आपको बता रखा है कि जो यहाँ पे डी और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ए है ये आपका परपेंडिकुलर बन रहा है। तो और उसके बाद यहाँ पे बता रखा है कि आपको और आपको एक और कंडीशन दे रखी है, इसमें बता रखा है इसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं। आगे हमारे सामने 4 ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर है ए बी सी जो है बी ए डी के कॉन्ग्रेंट है, आप ये बोल सकते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमारे सामने एक ट्राइंगल की साइड दे रखी है, द साइड ऑफ 4 ट्राइंगल, 4 अलग अलग ट्राइंगल की साइड दे रखी है। आपसे पूछ रखा है कि विच ऑफ देम आर राइट ट्राइंगल, इनमें से कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसका आंसर जो करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इसमें पाइथागोरस आपका अप्लाई हो रहा है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमें बोल रखा है द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल है आपके सामने, इसमें बता रखा है जो एंगल है उनका रेशियो आपको इतना दे रखा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट एंगल, सबसे पहले आप सारे एंगल निकाल लीजिए और उसके बाद आप लीस्ट और जो ग्रेटेस्ट है उन दोनों का डिफरेंस निकाल के आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 90 डिग्री है, ये थर्ड नहीं है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हम लोगों से पूछ रखा है द पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज
12 सेंटीमीटर, पैरामीटर कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर दे रखा है, और यहाँ पे बोल रखा है इफ ऑल द थ्री साइड हैव लेंथ इन इंटीजर, अगर जो तीनों साइड है वो इंटीजर में है, हाउ मैनी पॉसिबल सच डिफरेंट ट्राइंगल आर, हाउ मैनी सच डिफरेंट ट्राइंगल आर पॉसिबल, तो ऐसे करके कितने पॉसिबल ट्राइंगल हमारे सामने बन के तैयार हो सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 3 ऐसे ट्राइंगल हैं जो आपके सामने बन के तैयार हो सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बोल रखा है अ गोडाउन इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, गोडाउन जो है क्यूबॉइड के शेप में है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट आपको दे रखी है, हाउ मैनी यानी कि मैक्सिमम क्यूबॉइडल बॉक्स आपको बताने हैं जिनका शेप इतना है वो कितने स्टोर हो सकते हैं, तो आप इनका वॉल्यूम निकाल के इनको भाग कर दीजिए, तो इस तरीके से आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 4800। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बोल रखा है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, जो सर्कमफ्रेंस दे रखा है राइट सर्कुलर सिलेंडर का बेस का इस जगह का वो आपको दे रखा है 528 सेंटीमीटर, और हाइट जो दे रखी है सिलेंडर की वो दे रखी है 2 मीटर, तो आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। आप सर्कमफ्रेंस से यहाँ पे रेडियस निकालेंगे और रेडियस निकालने के बाद आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 जो कि है 4.4352। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में बोल रखा है कि क्वाड्रिलेटरल है जिसका एरिया दे रखा है और जो हाइट दे रखा है परपेंडिकुलर का अपोजिट वर्टेक्स में वो आपको दो अलग अलग डायगोनल का आपके सामने गिवन है, तो आपको पूछ रखा है कि लेंथ जो होगी वो डायगोनल की क्या होनी चाहिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 28.4 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हम लोगों के सामने पहले एक इक्वेशन बना के दे दी, इस इक्वेशन से पहले आप सॉल्व करके एक्स निकालिए और एक्स की वैल्यू आप इस वैल्यू में प्लेस करेंगे तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए 25/9 मतलब 25/9। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हम लोगों से पूछ रखा है कि वॉट इज द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे हमारे सामने एक इक्वेशन फ्रेम करके दे दी है और इस इक्वेशन में बता रखा है कि ए की जगह लगा दीजिए ये, बी की जगह ये लगा दीजिए और सी की जगह ये लगा दीजिए। अगर आप वैल्यू पुट करते हैं तो आपका करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए, आप वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 154 जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछ रखा है हमसे कि अगर हम इसे एक्सपैंड करेंगे तो इसका एक्सप्रेशन किसके बराबर आना चाहिए, आप नॉर्मल इसे एक्सपैंड कर सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि x³ + y³ + xy और ब्रैकेट में y - x। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बोल रखा है हमें द मीन एंड द मीडियन मोड एंड द रेंज ऑफ द गिवन डाटा इज बिलो, यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे पूछेगा व्हाट इज द मीन ऑफ द मीडियन, मीन निकालना है मीडियन का, मोड का और रेंज का, यहाँ पे मतलब आपको मीडियन मोड और रेंज निकालना है और उसके आपस में मीन निकालने, तो आपसे पूछेगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 जो कि है 33। अब देखते हैं यहाँ पर से पेडागॉजी पार्ट स्टार्ट हो गया। पेडागॉजी पार्ट में हमें पहले सबसे पहले ये पूछ रखा है अब मैथमेटिकल थ्योरम इज, जो मैथ्स में जो थ्योरम होती है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट है अ स्टेटमेंट दैट हैड बीन प्रूवन बाय लॉजिकल आर्ग्यूमेंट बेस ऑन एग्जिम, यहाँ पे बता रखा है ये एक तरीके की स्टेटमेंट होती है जो प्रूफ हो चुकी होती है एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट से एग्जिम के अंदर। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है थिंग्स विच आर इक्वल टू द साइज थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू द अनदर, मतलब ऐसी चीज जो एक चीज के इक्वल हो वो दूसरी चीज के भी इक्वल होगी। यहाँ पे इस एग्जिम में हमें क्या चीज पता चलने की कोशिश हो रही है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इक्लुइट। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हम लोगों से पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज असेसमेंट स्ट्रैटेजी टू एनकरेज इंटरडिसिप्लिनरी इन मैथमेटिक्स, इनमें से कौन सा इंटरडिसिप्लिनरी को एक्सप्लेन करने के लिए ज़्यादा एसेस करने के लिए ज़्यादा अच्छा स्ट्रैटेजी माना जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सी और डी इसका सही माना जाएगा, एंटीकॉडल रिकॉर्ड और ओलंपियाड, यहाँ पे प्रोजेक्ट और फील्ड वर्क हम लोग उतना अप्रोप्रिएट नहीं मानेंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हम लोगों से पूछ रखा है विच मेथड कैन बी यूज टू प्रूव
द सम ऑफ टू इवन इंटीजर आर ऑलवेज इवन, यानी कि आपसे पूछ रखा है कि इनमें से कौन सा मेथड हम यूज करेंगे अगर हमें ये प्रूफ करना है कि जो सम होता है इवन नंबर का वो हमेशा इवन आता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर टू, यानी कि डायरेक्ट प्रूफ आप कर सकते हो इस चीज को। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल आर प्रमोटेड बाई मैथमेटिक्स एट अपर प्राइमरी स्टेज, इनमें से कौन से स्किल को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो मतलब जो स्किल है इसे किस तरीके से प्रमोट किया जाता है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर टू, यानी कि ए बी सी डी फॉर्म में विजुअलाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन और मेमोराइजेशन, जनरलाइजेशन और फिर एस्टिमेशन, लास्ट में एस्टिमेशन किया जाता है। सॉरी इसमें एस्टिमेशन को काउंट नहीं करते, इसमें हम ए बी सी डी को काउंट करते हैं, एक ये एस्टिमेशन को काउंट नहीं करते। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हम लोगों से पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज लीस्ट लाइकली टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट, इनमें से कौन से टास्क को सबसे कम माना अच्छा माना जाता है अगर हमें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है स्टूडेंट के अमंग। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ। देखिए इसमें यहाँ पे बता रखा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस इतना एंड हाइट इतना, इससे कहाँ से क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, क्योंकि इसमें तो डायरेक्ट हमें बता रखा है, बस बच्चे को फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूले में वैल्यू लगाएगा और आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। तो कहीं पर भी इसमें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होगी, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यही होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन हमें पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाइन विद द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग मैथमेटिक्स फॉर ऑल एज पर NCF 2005, इनमें से कौन सा एक तरीके से ओवरऑल ऑब्जेक्टिव माना जाएगा अगर हमारे सामने ये स्टेटमेंट हमें प्रूव करनी है मैथमेटिक्स फॉर ऑल, वो भी NCF 2005 के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन डिफरेंट सोशल ग्रुप शुड बी हाईलाइटेड, हमें सबसे पहले ये देखना होगा डिफरेंट रिलीजन और डिफरेंट सोशल ग्रुप से जो हम लोगों को कॉन्ट्रीब्यूशन मिला है इस चीज़ को हम हाईलाइट करें, तो हम लोगों को ये पता चलेगा कि मैथमेटिक्स सिर्फ एक एरिया से रिलेटेड नहीं है, मैथमेटिक्स लिंक होती है सारे एरिया से। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हम लोगों से पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर एज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव मैथमेटिक्स क्लासरूम, इनमें से कौन सा इफेक्टिव मैथमेटिक्स क्लासरूम के अंदर स्ट्रैटेजी माना जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, जो कि है मल्टीपल वे ऑफ अप्रोचिंग अ प्रॉब्लम आर एनकरेज, मतलब हमें बताना होगा कि हम मल्टीपल तरीके से एक क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, इस चीज को हमें एनकरेज करना होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम लोगों से पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायरेबल प्रैक्टिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इन मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, हमें इसमें से कौन सा डिजायरेबल प्रैक्टिस माना जाना चाहिए टीचिंग एंड लर्निंग के लिए, वो भी अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं वॉल्यूम का। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर, एनकरेज स्टूडेंट टू फिगर आउट वे टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, हमें बच्चों को एनकरेज करना है ताकि वो कैलकुलेट कर सके वॉल्यूम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू प्याजे व्यू ऑफ चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, यानी कि प्याजे के व्यू के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है चिल्ड्रन की अंडरस्टैंडिंग का, वो भी स्पेस से रिगार्डिंग। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर टू, जो कि है प्रोग्रेशन ऑफ ज्योमेट्रिक आइडिया फॉलो अ हिस्टोरिकल रेदर देन लॉजिकल ऑर्डर, यानी कि ज्योमेट्रिकल आइडिया को अगर आपको प्रोग्रेशन करना है, अगर आपको आगे बढ़ाना है, तो उसके हिस्टोरिकल आइडिया को आप प्रस्पेक्टिव करो, उसको फॉलो करो, लॉजिकल वे को मत करो। देखिए मैथ्स इज ऑल अबाउट लॉजिकल ना, तो मैथ्स में लॉजिक अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो वो तो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में हमें एक फिर से हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दे दी, इस इक्वेशन में हमें पता है कि एक ही वैल्यू है जो अननोन है वो है x, आपको ये कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपका आंसर आएगा 46, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बता रखा है कि एक 8 डिजिट का आपके पास नंबर है, इस नंबर में आपके पास 2 नंबर मिसिंग है, जो कि है इस पूरी डिजिट में x और y, कह रहे हैं इसको 88 से डिविजिबल करके देखा है, तो यहाँ पे आपको डिविजिबिलिटी रूल आने चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल के थ्रू आप x और y की वैल्यू निकालेंगे और x और y की वैल्यू जब 3x + y में पुट करेंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 5।
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमारे सामने एक पैटर्न बना के हमें दे दिया और ये मिक्स फ्रैक्शन में है। आप इसे नॉर्मल भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर कोई ट्रिक लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, ईजिली कुछ वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। इसका आंसर नेगेटिव में आने वाला है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 से साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साइंस में हमें सबसे पहले क्वेश्चन हमें ये पूछा है, एक्स इज अ केमिकल प्रेजेंट इन अवर स्टमक। जो एक्स है एक केमिकल प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक में जो कि डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। व्हेन एक्स इज सिक्रेटेड इन एक्सेस, अगर एक्स ज़्यादा सिक्रेट हो जाता है तो हमें इनडाइजेशन हो जाती है। व्हाई इज अ केमिकल यूज टू ट्रीट दिस कंडीशन, व्हाई हम यूज करते हैं इस कंडीशन के लिए। तो आपको एक्स और वाई पता करना है। तो सबसे पहले आपको एक बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है और उसको एक तरीके से डाइजेस्ट करने के लिए या फिर हम कह सकते हैं इनडाइजेशन के केस में हम एक माइल्ड बेस यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज़ करते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। यानी कि एक्स है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हम सोडियम कार्बोनेट यूज़ नहीं करते, हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज़ करते हैं। अगर आप NCERT 10th क्लास की पढ़ें तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट करके एक चैप्टर है, उसमें अच्छे से ये पैराग्राफ को बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है चैप्टर नंबर 3 में। आप यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन नंबर है 62। क्वेश्चन नंबर 62 में हम लोगों से पूछ रखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस बैक्टीरिया इज नॉट यूज। इन चारों प्रोसेस में से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें बैक्टीरिया को यूज़ नहीं किया जाता। इसमें से इसका करेक्ट आंसर होगा फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन जूस। जब हम शुगर केन जूस को फर्मेंट करते हैं तो उसमें बैक्टीरिया इस्तेमाल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, मतलब इन चारों में से कौन सा तीनों से डिफरेंट, इन चारों में से कोई एक है जो बाकियों से डिफरेंट है, तो आपको ये देखना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है कंजर्वेशन। देखिए डिफॉरेस्टेशन, डेजर्टिफिकेशन और इरोजन ये सब चीज़ें तबाही के लिए यूज़ किया जा रहा है, बट कंजर्वेशन हम किसी चीज़ को बचाना संरक्षण के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमें पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, जो कि क्रिस्टलाइजेशन इज अ केमिकल चेंज। क्रिस्टलाइजेशन एक तरीके का केमिकल चेंज होता है, ये गलत है। बाकी सारी चीज़ें सही हैं कि डाइजेशन केमिकल चेंज है, जो फोटोसिंथेसिस है केमिकल चेंज है, रेस्पिरेशन जो है केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज वो चेंज होता है जिसको हम बदल नहीं सकते, पर जो क्रिस्टलाइजेशन है इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, एक तरीके का फिजिकल चेंज माना जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हम लोगों को पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन असेंडिंग ऑर्डर एज पर द साइज ऑफ पार्टिकल। साइज ऑफ पार्टिकल के फॉर्म में असेंडिंग ऑर्डर में किसे अरेंज किया गया है बेहतरीन तरीके से। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, क्ले स्लेट स्लैंड ग्रेवल और रॉक। ये हमारे टाइप लेयर ऑफ सॉइल और टाइप ऑफ सॉइल में भी आप पढ़ सकते हो, ये सोशल साइंस का भी पार्ट है और ये साइंस का भी पार्ट माना जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछ रखा है, द फंक्शन ऑफ गिल इन द फिश इज टू बी। जो गिल्स होती हैं फिश के अंदर उसका क्या फंक्शन होता है, क्या काम होता है। इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, एब्जॉर्ब डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। ये डिजॉल्व ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के काम आती है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हम लोगों से पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट इफ वन रन आउट ऑफ कनेक्टिंग वायर। इनमें से कौन सा कंप्लीट करने सर्किट कंप्लीट करने के काम आता है, अगर कहीं से वायर को आपको कंप्लीट करना है। तो इसको जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ब्लेड। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा गया, मंजुला इज ऑब्जर्विंग हर इमेज ऑन द प्लेन मिरर। मंजुला अपनी इमेज को प्लेन मिरर में देख रही है, द डिस्टेंस बिटवीन हरसेल्फ एंड द इमेज मिरर इज 5 meters, शी मूव 1 meter टूवर्ड द मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन हर। तो डिस्टेंस कम होगा या ज़्यादा होगा आपसे ये पूछ रखा है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3, 8 meters हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमें पूछ रखा है, पेंडुलम ऑसिलेट। जो पेंडुलम होता है जो हमारी घड़ी में भी लगा होता है, जो एकदम से या एक घंटे चेंज होने में वो टिक टिक करता है या फिर 12 बजे वो एकदम से आवाज करता है, ये उस तरीके का पेंडुलम होता है। ये गोल एक बॉब के साथ अटैच होता है, इस तरीके से होता है। अब देखिए यहाँ पे पेंडुलम के बारे में पूछ रखा है, पेंडुलम जो है ऑसिलेट करता है 30 times in 3 seconds, 3 seconds में 30 times ऑसिलेट कर लेता है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे इट्स टाइम पीरियड इज 0.1 सेकेंड एंड फ्रीक्वेंसी इज
10 हर्ट्स। देखिए फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आप नंबर ऑफ टाइम्स और जो सेकेंड है इसे डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10। और इसके बाद टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का आधा होता, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, मतलब 1/10 निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.1 सेकेंड। तो यानी कि इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछ रखा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इसका पहला ही ऑप्शन इनकरेक्ट है, बेल बियरिंग आर यूज टू इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन द पार्ट ऑफ मशीन। फ्रिक्शन को इंक्रीज नहीं करता, फ्रिक्शन को डिक्रीज करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं, यहाँ पे बता रखा है आयरन कैन रिप्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट, आयरन जो है जिंक को रिप्लेस कर देगा। अगले में बता रखा है जिंक कैन रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, अगले में बता रखा है कॉपर कैन रिप्लेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट। लास्ट वाला तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि कॉपर कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता। कॉपर जो होता है वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 तो इनकरेक्ट होने वाला है, जिसमें सी है वो तो इनकरेक्ट है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ओनली बी। आपको पता होना चाहिए कि आयरन जो होता है वो जिंक से कम रिएक्टिव होता है, तो ये भी नहीं हो सकता, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ऑप्शन जो है, इसका सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट लिखा है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हम लोगों से पूछ रखा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका आप डायरेक्ट आंसर जानिए, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, द रेंज ऑफ थर्मामीटर इज ग्रेटर देन द क्लिनिकल थर्मामीटर। देखिए बाकी चीजें गलत बता रखी हैं, इसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को पूछ रखा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है बायोगैस की वो काफ़ी ज़्यादा होती है एलपीजी से। बाकी चीज़ें कैलोरीफिक वैल्यू से रिगार्डिंग गलत दे रखी है, ऑप्शन नंबर 3 सॉरी एक्चुअली ये इनकरेक्ट दे रखा है और बाकी ऑप्शन करेक्ट दे रखे हैं, तो क्योंकि इनकरेक्ट बताना था इस क्वेश्चन का आंसर 3 होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हम लोगों से पूछ रखा है अ बस ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर फॉर 12 मिनट। बस जो है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रही है, वो भी 12 मिनट के अंदर। आप लोगों से ये पूछ रखा है देन द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इज फॉर द नेक्स्ट 18 मिनट, यानी कि ये बता रखा है पहले 12 मिनट तो ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में गई, पर अगले 18 मिनट ये गई 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। तो टोटल डिस्टेंस आपको बताना है कि इसने कितना कवर किया। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर 2, जो कि है 22 किलोमीटर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हम लोगों से पूछ रखा है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द अबव द फॉलोइंग अमंग द फॉलोइंग। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, इनकरेक्ट आंसर है, ऑब्वियस सी बात है, इनकरेक्ट हमें बताना है। तो इनकरेक्ट है ऑल पीरियोडिक मोशन आर सर्कुलर मोशन, सारे के सारे पीरियोडिक मोशन सर्कुलर मोशन होते हैं, ये इनकरेक्ट है। बाकी जितने भी आपको तीनों ऑप्शन दे रखे हैं ये करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट पे जाना है तो हमने 4th ऑप्शन को टिक किया। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में हम लोगों से पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग इमेज फॉर्मेशन इन द प्लेन मिरर, इनमें से कौन सा करेक्ट है इमेज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर से रिगार्डिंग। तो हमें पहले ऑप्शन में दे रखा है इमेज आर इरेक्ट, इमेज जो होती है इरेक्ट होती है, इमेज जो होती है रियल होती है, इमेज जो होती है लेटरली इन्वर्टेड होती है, या फिर इमेज जो होती है सेम साइज की होती है ऑब्जेक्ट से। देखिए इसमें हमें प्लेन मिरर के बारे में हमें बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ए सी और डी, क्योंकि इमेज कभी भी रियल नहीं होती है, इमेज होती है इरेक्ट, इमेज होती है लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड मतलब आप शीशे में देखोगे तो आपको लेफ्ट साइड अपना राइट साइड में दिखेगा, इमेज जो होती है सेम साइज की बनती है, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ साइंस, साइंस के नेचर के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, मतलब इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है ये पूछा था। तो यहाँ पे बता रखा है साइंस इज इक्विवेलेंट टू अ सेट ऑफ फैक्ट, मतलब साइंस एक फैक्ट के लिए हमेशा इक्विवेलेंट रहता है। साइंस बड़ा डायनेमिक है, साइंस में बहुत सारी चेंजेस आ सकते हैं, तो हम इक्विवेलेंट वर्ड तो हम लगा नहीं सकते। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन में हम लोगों से क्या पूछ रखा है। इसमें पूछ रखा है एज पर NCF 2005 गुड साइंस एजुकेशन शुड बी, गुड साइंस एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है
ट्रू टू द चाइल्ड, चाइल्ड से रिलेट करनी चाहिए। अगर ट्रू टू लाइफ होता तो ये यहाँ पे ये भी करेक्ट होता, पर लाइफ का कोई ऑप्शन नहीं दे रखा तो हमें सेकेंड ऑप्शन पे जाना है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोगों से ये पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैलिडिटीज फॉर अ गुड साइंस एजुकेशन करिकुलम इज सेटिस्फाइड बाय एक्टिविटी एंड एक्सपेरिमेंट। इनमें से कौन सा वैलिडिटी गुड साइंस एजुकेशन करिकुलम को सेटिस्फाई करेगी एक्टिविटी एंड एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, जो कि है प्रोसेस। कहीं हिस्ट्री, एनवायरमेंट, कोग्निटिव ये पॉइंट नहीं आएंगे, हमें प्रोसेसेस करने रहे पढ़ेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में हम लोगों से पूछ रखा है, अनु टुक हर क्लास 8 चिल्ड्रन टू द फील्ड ट्रिप। अनु ने अपने क्लास 8 के स्टूडेंट को फील्ड ट्रिप में लेके गई। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव फॉर दिस एक्टिविटी? इनमें से कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट एक्टिविटी माना जाए, ऑब्जेक्टिव माना जाएगा इस एक्टिविटी के लिए? हमारे सामने तीन चार पहले तो स्टेटमेंट दे रखी है, फिर हमें कंक्लूड करना है। पहली स्टेटमेंट में बता रखा है, इट इंक्रेज इंट्रैक्शन अमंग चिल्ड्रन, इंट्रैक्शन बढ़ाएगा। इट प्रमोट प्रोसेस स्किल, प्रोसेस स्किल इंक्रीज करेगा। इट इनहेंस ऑब्जर्वेशन स्किल, और यहाँ पे इट ब्रेक द मॉनिटरी ऑफ क्लास एज वेल एज टीचर। देखिए ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए, यानी कि ऐसा ऑप्शन जिसमें ए बी और सी होना चाहिए वो करेक्ट होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी एन ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस एजुकेशन एट अपर प्राइमरी लेवल? इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए अपर प्राइमरी लेवल के लिए? तो देखिए इसमें से नहीं पूछ रखा है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, एम्पथाइजिंग द टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ऑन कॉन्सेप्ट। मतलब बस डेफिनेशन को हम लोग रटवाते चले जाएं, उस पर ज़्यादा बल दें, ये नहीं होना चाहिए अपर प्राइमरी लेवल में। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में हमें पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इन्हेंस द क्रिटिकल थिंकिंग अमंग चिल्ड्रन? इनमें से कौन सा क्रिटिकल थिंकिंग को इन्हेंस करेगा? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि है asking children to discuss among themselves in group and follow by sharing in large group। यानी कि उन्हें पहले तो एक बार के लिए हम लोग क्या करें, डिस्कशन दे दें, वो भी स्मॉल ग्रुप में, और उन्हें उसके बाद बड़े बड़े ग्रुप में उन्हें इन्हांस करें। तो ये इस तरीके से हम लोग उन्हें इनकरेज कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें पूछ रखा है, अ चिल्ड्रन बिगेन द क्लास बाय अ टीचर बिगेन द क्लास बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग द केमिकल टेस्ट। यानी कि टीचर ने क्या किया, डेमोन्स्ट्रेटिंग टेस्ट से अपना क्लास को स्टार्ट किया, जिसमें वो स्टार्च को प्रेजेंट दिखा रही हैं एग्जांपल ऑफ फूड में। इससे उनका कौन सा कॉग्निटिव प्रोसेस डेवलप होगा? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4, जो कि है अंडरस्टैंडिंग। इससे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी वुड नॉट बी प्रमोटेड फॉर एक्टिव लर्निंग अमंग चिल्ड्रन? यानी कि इनमें से कौन सी एक्टिविटी प्रमोट नहीं करेगी एक्टिव लर्निंग को चिल्ड्रन के बीच में? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, लिसनिंग टू द लेक्चर इन द क्लास। बस लेक्चर को सुनते रहो, इससे उनकी जो एक तरीके से एक्टिव लर्निंग है ये प्रमोट नहीं होगी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हम लोगों से पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज Use for finding the learning gap of learner in science? इनमें से कौन से learning gap को find करने में हमें help करेगा? तो इस question का जो correct answer होना चाहिए वो होना चाहिए option number 3, यानी कि A, B and C, यानी कि concept map बना दो, anticaudal record portfolio और achievement test कहीं ना कहीं उनके gap को find out करने में help नहीं करेगा। तो यानी कि इस question का जो correct answer होगा वो होगा option number 3, obviously। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हम यहाँ देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज ऑन द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्वेशन? इनमें से कौन सा टूल टेक्निक ऑफ ऑब्जर्वेशन में यूज किया जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर है एंटीकॉर्डल रिकॉर्ड सबसे बेस्ट माना जाता है। अब देखते हैं, अब तीन और क्वेश्चन रह गए गाइस। यहाँ पे हमारे सामने एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? यहाँ पे हमारे सामने चार अलग अलग स्टेटमेंट दे रखी हैं, इसमें से जो करेक्ट होगा वो होगा पहला और दूसरा। यहाँ पे बता रखा, पश्मीना शॉल इज मेड फॉर हार्ट हेयर ऑफ गोट, गोट के हेयर से बनाया जाता है, और अगोरा इज अ टाइप ऑफ फूल ऑब्टेन फ्रॉम रैबिट, रैबिट से ऑब्टेन होता है, बाकी दोनों गलत हैं। तो देखिए पश्मीना रैबिट से नहीं मिलती और कैमल वूल से कारपेट नहीं बनते। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमें पूछा गया, आइडेंटिफाई द एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ फीचर लिस्ट बिलो। हमें एनिमल को आइडेंटिफाई करना है इनके फीचर्स के थ्रू में। अब यहाँ पे हमारे सामने तीन अलग अलग फीचर दे दिए, इस फीचर के अकॉर्डिंग ये जो एनिमल होगा वो होगा स्नेक।
अब देखते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर वन, ट्रू नहीं है पूछ रखा था। यहाँ पे बोल रखा है ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, सारे के सारे आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करते हैं, ऐसा नहीं है। पल्मोनरी आर्टरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कैरी करती है, तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट मैचेस ऑर्डर, यानी कि मैचिंग ऑर्डर में कौन सा करेक्ट है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि जो एसिटिक एसिड है वो विनेगर में पाया जाता है, बी लैक्टिक एसिड कर्ड दही में पाया जाता है, और सी जो ऑक्सैलिक एसिड है वो हमारा स्पेनिच में, और एस्कॉर्बिक एसिड सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड होगा। बाय बाय, टेक केयर।